कांग्रेस की दिल्ली इकाई को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव, अरविंदर सिंह लवली और कन्हैया कुमार के नामों की चर्चा चल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष अनिल चौधरी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपको बता दें, उनका कार्यकाल इस साल मार्च में ही खत्म हुआ। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि दिसंबर में होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बाद डीपीसीसी को नया अध्यक्ष मिलना था, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई। राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीता। बताया जा रहा है कि डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष लवली और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं, जबकि देवेंद्र यादव उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भाजपा छोड़ने के बाद 2021 में पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, 4 नाम हैं जिन पर अध्यक्ष पद के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव, अरविंदर सिंह लवली और कन्हैया कुमार के नाम शामिल हैं। एमसीडी चुनाव के बाद डीपीसीसी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।